जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मंडे 16 अगस्त, 8:03 हो गई सुबह की। और चलिए सबसे पहले हम लोग SGX निफ्टी का दर्शन कर लेते हैं। 480 दिखा रहा है, 47 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, 47 पॉइंट माइनस दिखा रहा है आपको, 47.50 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। एनीवे, इससे कोई लेना देना ही मुझे है नहीं, मुझे मार्केट से लेना देना रहता है, ये तो ऊपर नीचे होते रहता। तो आज मंडे है, 16 अगस्त, नया वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है। और आज क्या हो सकता है और इस वीक के दौरान क्या हो सकता है, देखिए ऑब्वियसली हमने एक बहुत तगड़ी क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग दी है, 529 पे हमने क्लोज किया, जो कि बहुत बड़ी वीकली क्लोजिंग है एज यू ऑल नो। लेकिन उस दिन आपने एक चीज़ और नोट किया होगा कि 1.75 के आसपास पुट कॉल रेशियो आ गया था निफ्टी का, तो ओवरबॉट पे था, तो ऑब्वियसली एक गैप डाउन उसको निगेट कर देगा आज उसी को। तो अभी आपको क्या लगता है, इमीडिएटली आज ही मंदी आ जाएगी? नहीं, दो दिन और छखाएगा हमको। आज इसमें सपोर्ट रहेगा 420 से लेके 430 के बीच में, एक अच्छा सपोर्ट रहेगा निफ्टी को। 420 से 430 का जो स्तर है वहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अगर किसी कारण से 400 के नीचे निकल जाता तो एक बड़ी मंदी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत उच्चतम स्तर पे आई है 529, और फ्राइडे को ही हमारा वीकली हाई बना है, तो ऑब्वियस है इस फ्राइडे तक वो टूटना है। तो मुझे लगता है वो कल का दिन होगा जो वो टूटेगा भी। हमारा हाई था शायद 543 और 529 पे हमने क्लोज किया। तो और वैसे भी हमारा वो फ्रीक हाई था 546.50, दो तीन पॉइंट से, वो स्क्रीन पे नहीं दिखा तो वो भी दिखेगा। लेकिन हाल फिलहाल आज के संकेत जो है वो बोल रहे हैं एक बार गैप डाउन खुल के थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। 430 का जो स्तर है वहाँ पे मुझे एक बार प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप शॉर्ट हो तो, या अगर आप एक बार लॉन्ग करने की हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि 546.50 अभी तक टूटा नहीं है, वो टूटेगा ज़रूर। अब मंदी कब आएगी? मंदी देखिए, इस बार मेरे ख्याल में 19 तारीख को छुट्टी है, इस वीक में 19 तारीख को मुहर्रम है, उसकी छुट्टी है, तो आज होगी 16, 17, 18, तो 19 को थर्सडे है, तो इस बार शायद मेरे ख्याल में वीकली एक्सपायरी आपकी 18 को होगी, 18 को होगी। तो जो मंदी आनी है वो 18 तक तो नहीं आएगी। कब आएगी फिर? 20 तारीख को आएगी। 20 तारीख से आप नोट कर लो, मार्केट एक बड़ी मंदी में चला जाएगा। तो आज आपको 430-420 के लेवल, मतलब 400 अगर आज के नज़दीक जितना नज़दीक मिले, मैं तो 30 पे भी एक बार बाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए मार्केट को अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्ले करना है। लेकिन मेरा अब जो टारगेट्स है, जैसे मैंने पहले 16,500 पे अड़ा हुआ था, तो अब मैं अड़ा हुआ हूँ 15,300 पे, 15,300 एट एनी कॉस्ट सितंबर तक मेरा टारगेट है, सितंबर तक, ठीक है। और दिल से जो टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 13,800। मतलब अगर मैं ब्रॉडर चार्ट्स को देखूं ठीक से तो मुझे अक्टूबर तक 13,800 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं 15,300 के लिए बैट करूँगा। और 15,297 का एक फ्रीक लो भी है 28 जुलाई को अगस्त सीरीज में फ्यूचर्स में, तो ये भी है। दूसरा, वेबिनार की आज लास्ट डेट है, आप लोग को अगर 10,000 रुपये का जो डिस्काउंट अगर आपको अवेल करना है तो डोंट मिस आउट। आज के दिन अगर आपका पेमेंट आ गया तो आपको 10,000 का स्पेशल डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा। 4 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, कोर्स का पूरा डिज़ाइनिंग चल रहा है मेरा, बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा ये 3 महीने का जो कोर्स है मेरा। स्टॉक मार्केट में किसी ने इस तरह से कोर्स डिज़ाइन नहीं किया होगा,
कि एक बंदा जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है और वो एकदम एक्सपर्ट बन के निकले, उसके बाद भी 3 महीने की तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सपोर्ट रहेगा ही, उसके बाद अनदर 3 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको रहेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसकी लाख रुपए भी फीस हो तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। तो उस पर आप ध्यान दीजिए, जिसको भी ज्वाइन करना है डोंट मिस आउट। और मार्केट के जानकारी तो मैं आपको रेगुलर देता ही हूँ। हाँ, वो याद रखिए वो ट्रेडिंग टिप्स की ग्रुप नहीं है। आप बहुत लोग उसको उस नज़रिए से ज्वाइन करते हैं, यार सर आप में उसमें बताएंगे मुझे क्या खरीदना क्या नहीं, वो नहीं। वहाँ आपको जो सिखाया जाएगा उसी पे खुद से, मतलब आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, आपको पंगू नहीं बनाना है कि इसका वीडियो देखेंगे तभी आपका काम चलेगा, ठीक है। तो ये एक है मोटिव। तो आज लास्ट डेट है, जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आज लास्ट डेट है, क्योंकि हमको बहुत सारी तैयारी करनी है, कोर्स के मटेरियल वगैरह वगैरह सब कुछ। आज जो भी ज्वाइन करेगा उसको 10,000 करें, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी 21 तारीख ही लास्ट डेट है ज्वाइन करने की, और सीट्स भी बहुत लिमिटेड है। अगर आप इस चक्कर में रहोगे कि मैं लास्ट में 40,000 देके भी ज्वाइन कर लूँगा तो सीट मिल जाएगी, तो डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, क्योंकि हम पैसा कमाने के मोटिव से ये धंधा करते ही नहीं है, ठीक है। तो कि बस भीड़ बकरी की तरह भीड़ भर दिया, ऐसा नहीं है। लिमिटेड सीट्स विल बी देयर, सो दैट माई फोकस विल बी ऑन एवरी वन हु रिसीव्स माई कोचिंग, ओके। तो ये भी है, और मार्केट का बैंक निफ्टी एक कल्प्रिट रहना चाहिए मार्केट को गिराने में आने वाले दिनों में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी, काफ़ी ज़्यादा। और अभी भी जब तक 36,300 के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं आती तब तक तो बैंक निफ्टी बुलिश हो ही नहीं सकता। 2 कंजिकेटिव क्लोजिंग अबव 36,300 ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग बुलिश ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी, अदरवाइज बैंक निफ्टी इज ऑलवेज अ सेल ऑन राइस, द स्ट्रक्चर इज रियली वीक। मेरे को 34,000 भी दिखाई देता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गॉड नोज क्या होगा, बाकी मुझे जो दिखता है मैंने बता दिया। और आज के लिए मार्केट 400 पे एक बड़ा सपोर्ट रहेगा, कल एक तेजी वाला दिन हो सकता है, मंगलवार मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, बुधवार को बोथ साइडेड गेम रहेगा, और फ्राइडे से मंदी की शुभारंभ स्टार्ट लिख लीजिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।